नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बस्कोगेस्ट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बस्कोगेस्ट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बस्कोगेस्ट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बस्कोगेस्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बस्कोगेस्ट टैबलेट का उपयोग पेट में दर्द और पेट में ऐंठन होने पर किया जाता है। बस्कोगेस्ट टैबलेट पेट की मांसपेशियों व पेट की आंतों को रिलैक्स करती है और पेट के दर्द और पेट की ऐंठन को ठीक करती है। बस्कोगेस्ट एक ब्रांड नेम है। बस्कोगेस्ट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन हायोसाइन 10 mg होता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बस्कोगेस्ट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बस्कोगेस्ट टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुंह में सूखापन, नींद अधिक आना, धुंधला दिखाई देना, घबराहट होना, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस और शरीर में कमजोरी होना आदि साइड इफेक्ट्स बस्कोगेस्ट टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बस्कोगेस्ट टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। बस्कोगेस्ट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बस्कोगेस्ट 10 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। बस्कोगेस्ट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बस्कोगेस्ट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि बस्कोगेस्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आँखों में ग्लूकोमा होने पर, पेट की आंतों में रुकावट होने पर, हार्ट बीट तेज होने पर, मुंह से कुछ निगलने में परेशानी होने पर और मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर बस्कोगेस्ट टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना बस्कोगेस्ट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बस्कोगेस्ट टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को बस्कोगेस्ट टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि बस्कोगेस्ट टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बस्कोगेस्ट टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बस्कोगेस्ट टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका बस्कोगेस्ट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।